क्या हाँ सारे जो वेबसाइट लॉन्च की है क्या क्या उसमें रहेगा, किस तरह से जो है गोविंद जी सर आ गया होगा आपसे सर। देखिए अब टेक्नोलॉजी का जमाना है और कोरोना वायरस की स्थिति में तो सब काम अब टेक्नोलॉजी से ही संभव हो पा रहा है, क्योंकि इसमें एक तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए और उसके साथ साथ जो है वो बहुत सारी मिलना जुलना जो है वो कम होता जा रहा है और भविष्य में भी ये दुनिया जो है वो वैसी नहीं होगी जैसी हम 2019 में देखते थे। कोरोना वायरस की स्थिति के बाद दुनिया जो है वो बदली हुई आपको नजर आएगी और उसमें आईटी का बहुत बड़ा जो है योगदान होगा। आज भी हमारे बहुत सारे काम जो हैं वो कोरोना वायरस की स्थिति में जो है वो सरकारी काम भी और व्यक्तिगत भी जो है वो ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन के द्वारा हो रहे हैं। हमारी तो पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उसकी राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ लेवल तक की जो कमिटीज हैं सभी उसकी बैठकें आजकल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हो रही हैं, डिजिटलाइजेशन के द्वारा हो रही हैं। तो हमारे सरकारी कामकाज में भी इसका वैसे भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आवश्यकता है और हम डिजिटलाइजेशन एजुकेशन में तो वैसे ही कर रहे थे, तो उस में हमारा जो है वो एक पूरा जो है वो डिजिटल जो है वो बनाने का एक दर्पण शाला दर्पण जो है वो ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है, लेकिन कोरोना वायरस की स्थिति के कारण जो है वो थोड़ा काम जो है ठहर गया है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो है वो वेबसाइट जो है वो हमने आज जो है प्रारंभ की है। इसमें एजुकेशन जो हिमाचल प्रदेश में हम देते हैं उसके सभी आयामों पर जो है वो आपको मटेरियल मिलेगा, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन है, चाहे एलिमेंट्री एजुकेशन है, समग्र शिक्षा अभियान है। इसके अतिरिक्त जो है वो जो व्यक्तिगत अपनी कंस्टिट्यूएंसी से संबंधित है उसमें नगर निगम शिमला है, साथ ही जो है हमारी शिमला की वाटर सप्लाई से संबंधित जो है काम है या कंस्टिट्यूएंसी के अन्य जो काम हैं वो भी इसमें जो इंक्लूड किए हैं और भविष्य में इसमें और भी जो आवश्यकताएं होंगी उसको जो है वो हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इसका हर एक व्यक्ति के लिए जो है लाभ रहे, सीधा सीधा जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो आजकल पूछ रहे हैं आपके सामने सामने आपने देखा है बेंगलोर से जो है वो प्राइवेट स्कूल की फीस के बारे में जो है वो टेलीफोन आ जाते हैं। तो अगर कोई हमारी जो है वो इस प्रकार की व्यवस्था हो टेक्निकल तो उसमें जो है लोग अपने आप सीधा इसी से जो है वो एक्सेस करके जो है वो पता कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का मैं समझता हूँ कि सार्वजनिक जो है वो पब्लिक के लिए जो है वो एक लाभ हो सकता है और हमारे को भी अगर डिपार्टमेंट की जानकारी लेनी है तो हम भी उसे अपनी एक क्लिक पर जो है वो ले सकते हैं। हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट हैं शिक्षा विभाग की उसके साथ भी इसको हम जोड़ देंगे ताकि सारी जो है वो जानकारी जो आम पब्लिक को जो है वो मिलनी चाहिए वो इससे जो है मिल सके। सर इसका क्या रहेगा सर जो एड्रेस है जिसके नाम पर ये बनाई वो सारे एड्रेस वगैरह दे देंगे आपको इसको। ये मेरी अपनी है सुरेश भारद्वाज जिसे आप जानते हैं और वोट भी देते हैं। सर सर फीस को लेकर भी आपने बात अभी कही, एक जो है क्वेरी भी आपको आई थी। इसको अलग कर देते हैं ना, तो वो अलग से करो ना बातचीत, उसको अलग से करते हैं। तो क्या सर क्या कोई मैकेनिज्म बनाया जाएगा या कोई ऑर्डर्स कोई फ्रेश ऑर्डर्स? अभी देखो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन जो हैं श्री के पंत जी, उनके पिताजी का जो है वो अकस्मात निधन हो गया था, इस कारण वो अपने गांव जो हैं वो उत्तराखंड में गए हुए थे। उसके पश्चात वो जब शिमला आए
तो क्योंकि दूसरे प्रदेश से आए थे इसलिए ये अपने घर पर ही होम क्वारंटाइन में थे। आज इनको 16-17 दिन के बाद जो है ये उस क्वारंटाइन से बाहर आए हैं और पहले आज ही इन्होंने ज्वाइन किया है। अब इनके साथ चर्चा करने के बाद जो है वो हम फीस के ऊपर जो है निश्चित जो है वो नीति बना करके जो है आदेश करेंगे, जिसकी हमने मंत्रिमंडल में भी चर्चा की है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है, अन्य अधिकारियों से भी चर्चा हुई है। लेकिन क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से चर्चा होनी थी इसलिए सभी प्रकार की जो है वो जानकारी लेकर के जो है वो हम इस पर निश्चित आदेश जो है वो करेंगे। सर लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है सर, अब किस तरह का प्रारूप रहेगा शिक्षा का, खासकर 31 मई तक किस तरह से इस तरह चल रहा है, उस तरह के चलेगा कि कुछ बदलाव किए जाएंगे शिक्षा विभाग की तरफ से? बैठ के करें अब, हाँ करो जी, ठीक है बैठो जी। देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो ऐसा विभाग है जिसने अपनी एग्जिट प्लान जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस एग्जिट प्लान के मुताबिक जो है वो हम काम करने को तैयार हैं। लेकिन कल जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स से गाइडलाइंस आई हैं उसमें स्कूल कॉलेजेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अभी बिल्कुल नहीं खुलेंगे, ऐसी गाइडलाइन है। और हमने तो एडवांस ऑर्डर्स कर दिए हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं उसमें हमने जो उनकी छुट्टियां होती हैं वो कुछ प्रीपोन की हैं, 22 मई से छुट्टियां होती थी, हमने 18 मई से जो है छुट्टियां घोषित कर दी हैं, आज से छुट्टी है सब कॉलेज, वो 10 जून तक जो है बंद रहेंगे। और फिर स्थिति का आकलन करने के बाद विश्वविद्यालय जो है वो अपना परीक्षा का शेड्यूल जो है वो जारी करेगा, तब कॉलेजेस की परीक्षाएं होंगी। अभी कुछ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेने को हैं जो कॉलेज स्तर पर लिए जाते हैं, बाकी अभी परीक्षाएं प्रारंभ ही नहीं हुई थी, सेमेस्टर की परीक्षाएं तो वैसे भी जून में ही होती हैं, लेकिन एनुअल सिस्टम की बाकी परीक्षाएं जो हैं वो अप्रैल में शुरू हो जाती हैं 15 अप्रैल के बाद, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा देर हमारे हिसाब से नहीं हुई है। लेकिन कब तक चलेगा कोरोना वायरस का ये लॉकडाउन इसको कह नहीं सकते हम, तो इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 31 मई के लॉकडाउन के बाद शायद कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगी तो हम एग्ज़ाम जो है ले सकेंगे। दूसरा, हमने स्कूलों की भी जो है वो छुट्टी डिक्लेयर कर दी है, अब ये कोरोना वायरस के कारण नहीं है, ये छुट्टी है 18 मई से 31 मई तक की छुट्टी है। उसके बाद नेक्स्ट गाइडलाइंस क्या आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की उसको देख करके जो है वो मनाया जाएगा। बाकी जो हमने ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ समीक्षा बैठक में तय किया था उसके मुताबिक परीक्षाएं जो ले रखी हैं उसके परीक्षा परिणाम निकालने के लिए जो कार्रवाई की जानी है वो कार्रवाई चल रही है, पेपर इवेल्युएट आजकल हो रहे हैं। 31 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, कुछ रिलैक्सेशन होगी तो हम प्लस टू का ज्योग्राफी का पेपर जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी कम हैं हमारे ज़्यादा हैं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है। बाकी पेपर्स के लिए तय किया हुआ है वो हमारी इंटरनल असेसमेंट है, प्रैक्टिकल है वो हो चुके हैं, थ्योरी के नंबर जो हैं वो हम उसके लिए एक प्लान जो है वो बना रखी है, वह प्लान अप्रूव्ड है, उसके मुताबिक मार्क्स दे देंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो दिए जाते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जून के एंड में जुलाई तक जो है हमारे रिजल्ट भी आ जाए इसके, बाकी सारी लॉकडाउन के ऊपर निर्भर करता है। सर सर कर्फ्यू में और छूट दी जा सकती है और बसों को लेकर क्या कोई बातचीत हुई है सर? देखिए अभी तक इस पर बातचीत नहीं हुई है क्योंकि कल ही लॉकडाउन 4 जो है डिक्लेयर हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है निर्णय लेंगे, वो निर्णय आएगा तो उसके हिसाब से देखेंगे, अन्यथा अगर चर्चा करेंगे तो क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट विद इन स्टेट जो है स्टेट गवर्नमेंट को छूट दी है कि हम चला सकते हैं, और बाहर भी दूसरे प्रदेशों के साथ भी जो चलानी है वो भी आपसी बातचीत के द्वारा जो है चलाई जा सकती हैं गाड़ियां, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में है।
उस पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। क्या कैबिनेट में सर ये फैसला होगा या जो कहा जा रहा है कि 20 तारीख को कैबिनेट? ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है वो अधिकार क्षेत्र में है, वो जो उचित समझेंगे कैबिनेट में ले जाएंगे तो कैबिनेट में डिसीजन करेंगे, पर अभी तो 20 तारीख को तो कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग है, कैबिनेट का भी नोटिस नहीं है। ठीक है। इसका नाम हो गया है शॉर्ट टाइप।